नमस्कार साथियों, आशा की बगिया चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, यहाँ ये आप जगह देख रहे हैं, यहाँ जुलाई में मैंने ग्वार छिटका था जंगली पद्धति से, लेकिन ज़्यादा अच्छी सफलता मुझे नहीं मिली। और यहाँ ये मिर्च भी लगी हुई है, यहाँ पर ये गेंदा था जिसे मैंने कल यहाँ से काट दिया था और जड़ को छोड़ दिया था। ये मिर्ची को तो मोर खा गए हैं। और ये यहीं पास में ये सहजन लगा हुआ है, और इस सहजन के नीचे प्राकृतिक तरीके से मैं यहाँ पर मटर लगाऊंगी। तो इसकी खुदाई वगैरह यहाँ पिछले साल से हुई नहीं है, तो मटर जो लगाऊंगी मैं इस विधि से लगाऊंगी। ये इस तरह से लकड़ी से या फिर हाथ किसी चीज़ से, हाथ से भी हो रहा है इसमें गड्ढा। तो ये मटर हैं जिनको रात मैंने भिगो दिया था, और इसमें मैं इस तरह से एक मटर ऐसे दाना डाल दूंगी और ये मिट्टी से इसको ढक दूंगी। इसमें कल मैंने पानी भी लगा दिया था, गीली है, तो देखते हैं क्या परिणाम मिलता है। साथियों, 22 नवंबर को हमने यहाँ पर बिना जुताई किए मटर बोए थे, और आज 28 नवंबर हो गया है और आप देख रहे हैं कि मटर ग्रो कर गया है। ये देखिए, मटर बहुत ही अच्छा मटर निकला है, और अब भी कुछ एक जगह पे निकल रहा है। ये देखिए, जैसे ये रहा, ये रहा, और आप जो ये वाइट कलर का ये कुछ भूरा भूरा सा देख रहे हैं ना, ये राख है। हम चूल्हा जलाते हैं तो वो राख यहीं पे गिरा देते हैं। अभी एक इधर ये भी निकल रहा है। और ये जो मेथी है, ये कसूरी मेथी है। पिछले साल हमने कसूरी मेथी यहाँ बोई थी, तो उसके बीज यहाँ पे गिर गए और ये यहाँ पे अपने आप नेचुरल तरीके से ग्रो हो गई, और अभी ये बहुत सुंदर हो जाएगी। कुछ टाइम बाद ये बहुत प्यारी मेथी हो जाएगी यहाँ पर। साथियों, आज मटर को लगाए हुए 23वां दिन है, आज 16 दिसंबर हो गया है। तो देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है। इधर कसूरी मेथी, यह भी बहुत अच्छी हो गई है, बड़े बड़े पत्ते हो गए हैं, और भी ये बड़ी हो जाएगी जैसे जैसे टाइम गुजरेगा। और इधर हमने ये मूली ये डाल दिए थे बीज, ये भी बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो साथियों, जमीन न खोदने से हमें कई प्रकार के लाभ मिल गए, जैसे कि जमीन खोदने में हमारी जो मेहनत लगती थी वह मेहनत बच गई, और जमीन खोदने में जो हमारा समय लगता था वह बच गया। तीसरी बात, जमीन खोदने से जमीन की आधी ताकत नष्ट हो जाती है, वह ताकत बच गई। तो साथियों, आप भी इस तरह के छोटे छोटे प्रयोग करें और प्रकृति के को समझने का प्रयास करें। प्रकृति का साथ, सबका विकास। नमस्कार, धन्यवाद। What does perfect even mean?